हेलो गाइस, स्वागत है आपका इरिश ऑन फायर की एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस के सेल स्टार्ट वाले वेरिएंट की ईएमआई डिटेल्स के बारे में। तो अगर आप लेते हैं दिल्ली के अंदर इस बाइक को ईएमआई पे, तो ऑन रोड प्राइस आपको 76,425 रुपये इसकी आएगी, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे जो 12.5% ले लिया है, जो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और डाउन पेमेंट हम यहाँ पे जो है 15,000 रुपये कर देते हैं, जो कि अप्रोक्स जो है ऑन रोड प्राइस का 20% है। अब बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर हम 15,000 रुपये डाउन पेमेंट देते हैं तो इसकी जो मंथली ईएमआई है वो हमारी कितनी बनेगी। तो अगर आप लेते हो 3 महीने के लिए, तो आपको हर महीने 20,903 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। 6 महीने के लिए आप लेते हो तो आपको हर महीने 10,614 रुपये की इंस्टॉलमेंट जाएगी। 9 महीने के लिए 7,185, 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए अगर आप लेते हो ईएमआई पे, तो आपको हर महीने 5,472 रुपये की जो इंस्टॉलमेंट है वो देनी पड़ेगी। 15 महीने के लिए 4,444, 18 महीने के लिए 3,760, 21 महीनों के लिए 3,272 और 24 महीों के लिए आपको जो 2,906 रुपये की मंथली जो है इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। जबकि अगर आप ले तो 27 महीने के लिए आपको जो है 2,622 रुपये की इंस्टॉलमेंट जाएगी। 30 महीनों के लिए 2,395 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट, 33 महीनों के लिए 2,209 रुपये की ईएमआई हर महीने आपको देनी पड़ेगी। 36 महीनों के लिए अगर आप लेते हो तो 2,055 रुपये हर महीने इंस्टॉलमेंट जाएगी। इसी तरीके से 39 महीने के लिए 1,925, 42 महीनों के लिए 1,813, 45 महीनों के लिए 1,717, 48 महीने के लिए 1,633 और 51 महीने के लिए अगर आप लेते हो तो आपको 1,559 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको देनी पड़ेगी। 54 महीने के लिए अगर आप लेते हो तो आपको हर महीने 1,493 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। 57 महीनों के लिए आपको जो है 1,434 रुपये की मंथली ईएमआई देनी पड़ेगी। और अगर आप लेते हो 5 साल के लिए यानी कि 60 महीनों के लिए, तो आपको हर महीने जो है 1,382 रुपये की इंस्टॉलमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ऑन रोड प्राइस हमारी 76,000 आ रही है, जो कि पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट जो इसी के आसपास ही रहते हैं, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग बैंक और अलग अलग फाइनेंस कंपनी जो अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज करती है। बट इससे हमें एक मोटा मोटा जो अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, कितने हम डाउन पेमेंट दें तो हमारे को जो है कितनी मंथली ईएमआई बनेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे लोन का जो पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो काफ़ी कम होती जा रही है। देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ चुका है 60 महीने और 3 महीने में। बट आप जितने लंबे टाइम के लिए लोगे उतना जो आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप कि आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो कर देना इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।